चलिए वेलकम ऑल ऑफ यू। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स का रैशनल नंबर्स वो करने जा रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको समझा दूँ, उसके बाद हम जो है 1.2 वो एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आज हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए तो हमको पता होना चाहिए नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, बीच में जीरो है और जीरो के जो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, और जो लेफ्ट साइड है उसमें होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? चलिए तो सपोज हमको एक रैशनल नंबर है 3/7, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए 3/7 में मैंने ऊपर छोटा लिया है, नीचे बड़ा लिया, तो एक कैटेगरी एक टाइप ही हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर हम देखेंगे उल्टा कर दिया मैंने, 7/3, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो क्या करना है, ठीक है? और फिर मैंने एक नेगेटिव वाला भी ले लिया, बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे दो तीन मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो उसके बाद हम क्या टेक्स्ट में जो भी हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको शो करने के लिए वो कर पाएंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब इस तरह का फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो 3 है 7 में से, 3 out of 7 पार्ट्स। क्लियर है? तो रैशनल नंबर को जब भी हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए, नीचे जो है ना वो देख लेना वो क्या है। यहाँ पे नीचे 7 है, यहाँ 3 है, 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब इसमें से नीचे वाली जो चीज है 7, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/7, तो नीचे वाली चीज का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/7। तो यहाँ क्या करना है हमको, खूब सारे निशान लगा लेने हैं, ठीक है? इक्वल इक्वल दूर पे आप लोग नोटबुक में एक एक सेंटीमीटर की दूर पे लगा लीजिएगा निशान। तो हमने ऐसे खूब सारे निशान क्या है लगा दिए, समझ में आ गया? तो नीचे लिखा है 7, ये मैं उन नंबर्स के लिए बता रहा हूँ जहाँ पे ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? नीचे जितना भी नंबर लिखा है उतने पार्ट्स कर लेना उसके, ठीक है? अच्छा, क्योंकि प्लस का नंबर है तो जीरो के राइट साइड में चलेगा मामला, प्लस का नंबर है जीरो कहीं पे भी लेफ्ट साइड में शो करके ना कहीं पे भी जैसे लाइन खींचोगे तो बिल्कुल एंड पे शो कर लेना जीरो, क्योंकि माइनस की तरफ जाना ही नहीं है, वो तो प्लस की तरफ चलेगा। अगर ये माइनस है तो जीरो उस तरफ शो करना है, इस तरफ माइनस के नंबर आएंगे, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? चलिए तो नीचे लिखा है 7, हमने 0 से 7 टुकड़े कर लिए बराबर लेंथ के, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इसका वैसे मैथमेटिक्स में सिग्निफिकेंस क्या, क्या महत्व है, ये क्या बताता है हमको, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 3 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। 3 डिवाइडेड बाय 7 ही तो है, इसका मतलब 3 के 7 बराबर टुकड़े कर दिए हमने, तो 7 बराबर टुकड़े तो कर दिए, अब किसके किए हमने, 3 के किए, तो ये एंड पे हमको 3 लिखना पड़ेगा। तो देखो ये 0 से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 3 है, और 3 के कितने पार्ट्स हो गए, 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। क्लियर है ये? चलिए अब क्या करना है, ये करने के बाद 0 के बाद जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला जीरो का जो पहला मार्क है वही हमारा रैशनल नंबर होता है बाय डिफॉल्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि कैसे आया। चलिए मान लीजिए ये टोटल कितने 7 पार्ट है ना, तो मुझे बताओ 7 में से अगर हम यहीं पे खड़े हैं इस हिस्से पे खड़े, तो 7 में से ये 0 पार्ट है, तो 0 out of 7। अच्छा अगर इतना हिस्सा ले लें हम, तो ये यहां तक आ गए हम, तो 7 में से सॉरी हाँ ये 7 टुकड़ों में से, ये 3 को नहीं देखना फिलहाल अभी, ठीक है? तो 7 पीसेस में से ये पीस कितना हो गया 1, तो 7 में से 1, तो 1 out of 7। फिर यहां तक आ गए तो 7 में से हमने क्या 2 टुकड़े चल लिए, तो 2 out of 7। यहां पे आ गए तो 3 out of 7, 4 out of 7, 5 out of 7, 6 out of 7 और 7 out of 7। लेकिन ये दूरी जो है वो 1 नहीं है, ये दूरी तो 3 है, तो हम क्या करेंगे सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 का निकाल रहे हैं, समझ में आ गया? तो देखो 0 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स इन अ टोटल ऑफ 3, इसी प्रकार से क्या होगा 1 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट्स इन अ टोटल ऑफ 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब, क्योंकि ये टोटल दूरी एक नहीं है 3 है। अच्छा अगर ये 1 होती ना तो फिर हम ये 3 से इंटू नहीं करते, यहाँ 2 होती तो हम सबको 2 से इंटू करते, 5 होता तो 5 से इंटू करते, समझ में आ गया? तो ये है 0 पार्ट आउट ऑफ 7 टुकड़े, ये है 1 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स, 3 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट्स, इसी प्रकार से लास्ट में 7 पार्ट्स आउट ऑफ 7, तो 7 में से 7 कट गया तो 1 बचेगा और 1 3 3 आ जाएगा, समझ में आ गया? तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। अब अगर इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो 0 ही आएगा आंसर, 0 इसका आंसर आएगा, देखो 3 1 3/7, तो देखो ये 3/7 है, तो पहला हिस्सा आ जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं का? ये आएगा 6/7, 3 3 9/7, 12/7, 15/7, 18/7 और ये 21/7 कट के 3 आ जाएगा, समझ में आ गया? तो हमेशा ऊपर छोटा नीचे बड़ा नंबर है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रैशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये तरीका करेंगे, ठीक है? अच्छा अगर ये माइनस में होता बिल्कुल ये उल्टा हो जाता, यहां हम 0 लगाते, 0 लगाते फिर 0 के बगल में ये 0/7, फिर सॉरी यहाँ 0/7 लिखते हैं, फिर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 और यहाँ 3 की जगह -3 लिखते हैं, उल्टा होता तो, ठीक है? और सबके साथ फिर -3 -3 -3 से इंटू करते जाते, समझ में आ गया करेगा? तो यहाँ 3 है तो सबको 3 से इंटू किया, -3 होता तो सबको -3 से इंटू करते, तो माइनस में आते जाते, समझ में आ गया? मैं एक नीचे एक एग्जांपल दिखा दूंगा,
क्लियर है चीजें। चलिए अगला हमारा 7/3। अब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, अगेन पहले वाले की तरह ही करना है अपने को। क्या करना है, नीचे क्या लिखा हुआ है 3, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 पार्ट, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये जो नीचे 3 लिखा है इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/3। तो हमको क्या करना है कि बहुत सारे टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है, बहुत सारे टुकड़े कर लेने हैं, और हर एक जैसे नंबर लाइन पे हमारी गिनती होती है ना 1 2 3 4, तो हर एक गिनती को जैसे 0 से लेकर के ये कितनी दूरी हो गई, ये 1 हो गई, फिर 1 से लेकर के कितनी दूरी हो गई 2 हो गई, फिर 2 से 3, 3 से 4, तो ये जो हमारे होल नंबर्स हैं, है ना, हर एक होल नंबर को 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है, ये लिखा है। तो अगर ऊपर नंबर बड़ा होता तो ऐसे कर सकते हैं, 3 नंबर में डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो 0 से 1 तक की दूरी होगी तो उसके कितने पार्ट कर दिए 3, तो एक काम कर लेंगे खूब सारे पार्ट बना देंगे, तो 1 2 3, ये शुरू के 3 टुकड़े, ये दूरी 1 हो गई, अगले नेक्स्ट 3 टुकड़े इसका दूरी 2 हो गई, फिर 1 2 3, 3 अगले टुकड़े ले लेंगे, फिर दूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम करते जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे करते जाते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए अब ये 1 है, चलिए शुरू के पहले इस इन 3 हिस्से को देखते हैं। तो ये क्या बताओ, 3 पीसेस में से 0 है, यहां आ गए 3 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, मतलब एक बार में एक होल नंबर का देखना है, 3 टुकड़ों में से 1, यहां गए तो 3 में से 2 टुकड़े, यहां गए तो 3 में से 3 टुकड़े, और 3 out of 3 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 पे पहुंच गए। फिर यहां गए तो एक एक गिनती बढ़ाते जाएंगे, ये 4/3 5/3 6/3 6/3 कितना होता है बताओ 2, दो पार्ट हो गए, फिर ये अगला जाएगा 7/3 8/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको यही तो ढूंढना था 7/3, समझ में आ गया। तो जो नीचे लिखा है उसका रेसिप्रोकल 1/3, हर एक हिस्सा हमारा 1/3 होगा, तो ये 0 बार 1/3 है, यहाँ हो गया 1 बार 1/3, 2 बार 1/3, तो हर एक टुकड़ा क्या है 1/3, ये 1 है तो इसका थर्ड पार्ट 1/3 हो गया, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 एंड 7 टाइम्स, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, माइनस में होता तो उल्टी तरफ कर लेंगे, एक एग्जांपल हमने माइनस वाला भी देख लेना है, ठीक है। अब सपोज मैंने नीचे 3 की जगह 4 लिख दिया और माइनस का नंबर ले लिया, अब माइनस का नंबर ले लिया तो क्या कर देंगे हम, 0 उस तरफ लेंगे, लेफ्ट साइड में प्रोग्रेस करेंगे हमारे नंबर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 0, ठीक। अब देखिए नीचे क्या लिखा 4, तो 4 पर रेसिप्रोकल 1/4, तो हर एक छोटा टुकड़ा 1/4 1/4 होगा, खूब सारे लगा लिए हमने, ठीक है। तो खूब सारे हमने पार्ट्स लगा लिए, ठीक। अभी पहला वाला कोई भी नहीं है 0/4, फिर अगला क्या है 1/4 2/4 3/4 4/4 4/4, मतलब क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे हमने ये एक को 3 टुकड़ों में बांटा था, अगले एक को 3 टुकड़ों में बांटा था, यहां पे एक को 3 टुकड़ों में बांटेंगे, तो देखो ये 0 से लेकर के, देखो सॉरी 4 टुकड़ों में बांटेंगे, तो देखो 0 से लेकर के यहां तक की दूरी 1 है, मतलब -1, फिर ये अगली दूरी क्या है ये 1 है, तो देखो 4 टुकड़े हो रहे हैं 1 2 3 4, ये -1 आ गया 1 2 3 4, -2 1 2 3 4, -3 ये आ जाएगा, तो सेम पैटर्न लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला वाला टुकड़ा, अब देखो 4 है तो एक एक बार में एक एक नंबर को लेना है टीचर को, तो 4 में से ये 0 टुकड़े, 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4, 4 में से 4 4/4 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 4 में से 5, 4 में से 6, 4 में से 7, 4 में से 8, तो 4 ऊपर 8 नीचे 4, तो 2 आ जाएगा, और सबके साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में, समझ में आ गया। तो उधर प्लस का था, इधर माइनस का था, तो ये हमारा हो गया -7/4। तो इस प्रकार से हम किसी भी रेशनल नंबर को क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने 7/3 बताया था, इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाएंगे, उसको क्या करेंगे 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे। देखिए ये हमारी नंबर लाइन हो गई, सिंपल सा तरीका, फर्स्ट वाले मेथड हम इन दोनों में लगा सकते हैं, प्लस वाले में, ठीक है, और इसमें भी लगा सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। तो एक और तरीका क्या होगा, देखिए 7/3 है, अब 7/3 में क्या कर लेंगे हम, ये हमारा प्लस का नंबर है तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमको देखो 3 टुकड़े करने हैं, किसके टुकड़े करने हैं 3, तो यहां लिख देंगे 0 और 1 2 3, 3 पीस कर लिए। ये 3 टुकड़े किसके किए, 7 के किए हमने, तो ये हमने किया 7 का, समझ में आ गया कि नहीं क्या। अब मुझे बताओ ये चीज तो हो गई, बताओ 0 पीसेस आउट ऑफ कितना, 3 पार्ट है, 3 पार्ट ये हो गया, 1 पीस आउट ऑफ 3 पार्ट ये हो गया, 2 पीसेस आउट ऑफ 3 पार्ट ये हो गया, 3 पीसेस आउट ऑफ 3 पार्ट, और किसके हैं, 7 के हैं, तो सबको इससे इंटू करते हैं किससे, 7 से, मेथड नंबर 1 बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7/3, तो पहला वाला जो हमारा होगा, मतलब 0 के बगल वाला, वही हमारा आंसर होता है 7/3। अगला हो जाएगा 14/3, ये 3 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, सेम मेथड इधर भी कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं क्या। सो ये था तरीका नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। चलिए एक चीज और सीख लेते हैं इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करें, क्या है वो, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। मान लीजिए हमको कोई भी 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ संख्या में रैशनल नंबर्स अगर हमको और निकालने, तो कैसे निकालें, हमको कितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल सकते हैं, हम चाहे तो अनगिनत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, चलिए
तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, क्या एग्जाम्पल, राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू एंड जीरो, माइनस टू और जीरो के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमको, तीन निकालने हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले जो भी हमको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे, फिलहाल नीचे अपॉन में कुछ लगा हुआ नहीं है तो हम नीचे क्या लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं, वन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सो फर्स्ट राइट दीज इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये हो गया माइनस टू बाई वन एंड जीरो बाय वन, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, अब क्या करना है, ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, क्या ये सभी पे लागू होंगे, क्या है सबसे पहला स्टेप, क्या मेक देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल, इनके डिनोमिनेटर को बराबर कर लेना है। अब अगर हम यहां देखें ये तो पहले से बराबर है, तो अगर ये पहले से बराबर है तो हम स्टेप टू पे चले जाएंगे, और बराबर अगर नहीं हो, अलग अलग हो, तो हमको बराबर इसको करना पड़ेगा। तो बराबर करने का तरीका मैं बता दूंगा, फिलहाल यहां सेम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ऐसा ले लेंगे जिसमें कि ये दोनों क्या डिफरेंट आ जाए, फिलहाल तो सेम हो गया, सेम हो गया तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या बताइए, सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ बाय ए सूटेबल नंबर, दोनों ही जो नंबर्स है, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इसमें ऊपर नीचे एक सूटेबल संख्या से इंटू करना है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4 इन सब से इंटू कर सकते हैं। अगर मैं 2 बाय 2 से इंटू करूंगा तो 2 बाय 2 तो 1 ही होता है, 1 से इंटू करने का फर्क नहीं पड़ता है, 5 बाय 5 से कर सकता हूं, 6 बाय 6 से कर सकता हूं, समझ गया, सेम नंबर पर सेम नंबर से इंटू कर देंगे तो वो 1 ही होता है, और 1 से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशनल नंबर जो रहता है वही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, दोनों को करना है ऊपर नीचे इंटू, किससे, बाय सूटेबल नंबर, एक संख्या से करना है। अब वो सूटेबल नंबर निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है, वो सूटेबल नंबर क्या होता है, हमको जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, तीन निकालने हैं ना, तो उससे एक ज्यादा कर लेना, कितना हो जाएगा, फोर, क्लियर है, तो ऐसे निकालेंगे। सो ये सूटेबल नंबर कैसे पता चलेगा, वन मोर देन, एक ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाउंड, जितने रैशनल नंबर निकालने उससे एक ज्यादा, तो एक ज्यादा कर लिया हमने, तीन रैशनल नंबर निकाले तो कितना हो गया, फोर, तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इधर 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 फोर से इंटू कर देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर था हमारा माइनस टू बाई वन, माइनस टू बाई वन, तो फोर बाई फोर से इंटू कर दिया, तो फोर बाई फोर से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन ही होता है, और वन से इंटू करेंगे तो वही माइनस टू बाई वन ही आना है, तो अब इंटू करके सॉल्व कर लेंगे, फोर इंटू माइनस टू माइनस एट, फोर वन जा फोर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। मैंने बताया था पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वन टू बाई टू, थ्री बाई थ्री, फोर बाई फोर, फाइव बाई फाइव इंटू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फोर बाई फोर से कर देंगे तो फोर जीरो जा तो जीरो हो गया, और फोर वन जा फोर हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हमारे जो मॉडिफाइड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से इनके बराबर के वो क्या, माइनस एट बाई फोर, और यहाँ पे आ गया जीरो बाई फोर। अब नीचे तो सेम आ गया, तो इसके और इसके बीच में गैप कितना है बताओ, देखो जीरो और माइनस एट के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, जीरो के बाद में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स और माइनस सेवन तक आता है, तो हमको ऊपर चेंज करते जाना है, इस और इसके बीच में जो भी है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे फोर ही लिखना है। चलो तो माइनस एट से थोड़ा और जीरो की तरफ चलते हैं, माइनस सेवन बाई फोर नीचे सेम, फिर माइनस सिक्स बाई फोर, माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फोर बाई फोर भी ले सकते हैं, माइनस थ्री बाई फोर, फिर माइनस टू बाई फोर, माइनस वन बाई फोर, वहां तक ले सकते हैं, समझ में आया, इन दोनों को छोड़ देना इनके बीच के, तो ऊपर वाले जो दो हमारे इंटीजर्स हैं उनके बीच में जो भी इंटीजर आ रहा है, गैप आ रहा है, वो हम यहां लिख पाएंगे, तो हमने ज्यादा भी निकाल सकते हैं, तीन हमारे निकल जाएंगे, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्या कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कितने भी हो कैसे निकालने, ठीक है। अब हम देखेंगे जहां पर डिफरेंट आ जाता है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमको निकालने हैं इस बार चार रैशनल नंबर, ठीक है, फोर रैशनल नंबर निकालने, किसके बीच में, वन बाई फोर एंड वन बाई टू। इस बार हमने जानबूझ के ये दो क्या डिफरेंट लिए हैं, ठीक है, फोर और टू डिनोमिनेटर अलग लिए हैं, ठीक है, ओके। और मान लीजिए कोई यहाँ पे होल नंबर दे दे, सपोज सेवन दे दे, तो अपॉन में वन लगा लेंगे, पक्का फ्रैक्शन में कर लेना सबसे पहला स्टेप, ठीक है। चलिए तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में, सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर वन बाई फोर एंड वन बाई टू, ये हमको गिवन रैशनल नंबर्स है, सॉरी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहले से फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, अब यहाँ पे तो डिफरेंट है डिनोमिनेटर, सो मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल, कैसे करेंगे इक्वल, चलिए देखते हैं। दोनों फ्रैक्शन को लिख देंगे, एक बार वन बाई फोर इधर लिख दिया, वन बाई टू, अब ध्यान से सुन लेना क्या बराबर करना है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, इस नंबर को ऊपर नीचे दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से इंटू करना है, टू से तो टू बाई टू, और इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से इंटू करना है टू बाई फोर बाई फोर, समझ में आ गया, तो एक दूसरे के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इंटू करना है। अब टू बाई टू से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वन ही होता है, और फोर बाई फोर से भी इंटू करने से फर्क नहीं पड़ेगा भी वन ही होता है, और वन से किसी नंबर को इंटू कर दे वही रहेगा, सेम रहेगा। चलिए समझ में आ गया, तो इस नंबर को ऊपर नीचे दूसरे के डिनोमिनेटर से, इस नंबर को ऊपर नीचे दूसरे के डिनोमिनेटर, तो इससे क्या होगा देखते हैं, टू वन जा टू, फोर टू जा एट, 4 1 4, 4 2 8, तो देखो नीचे दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो अब हमारे रेशन नंबर क्या बन गए हैं, 2 बाई 8 एंड 4 बाई 8, इक्विवेलेंट रेशन नंबर से, ठीक है। चलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब इनके बीच में हमको निकालना है
कितने, चार रेशनल नंबर, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो कितने निकाल लिया रेशनल नंबर, फोर, तो फोर से एक ज्यादा कर देंगे, कितना हो गया, फाइव हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इनको ऊपर नीचे किससे इंटू करेंगे, फाइव से इंटू करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ बाय क्या, फाइव, तो इसको फाइव से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा देखेंगे, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे हमारे, तो टू बाई एट, फोर बाई एट, ये टू बाई एट, ये फोर बाई एट, फाइव बाई फाइव, फाइव बाई फाइव से इंटू कर दिया, ठीक है। तो फाइव कहां से आसान में आ गया, जितने निकालने उससे एक ज्यादा, तो टू फाइव जै टेन हो गया, नीचे फोर्टी हो गया, फोर फाइव जै ट्वेंटी, नीचे एट फाइव जै फोर्टी, तो अब हमारे रेशनल नंबर क्या हो गए, टेन बाई फोर्टी, ट्वेंटी बाई फोर्टी। अब इन दोनों के बीच में देखो बहुत सारा गैप है ना, 10 और 20 को छोड़ देना, नीचे तो सेम आ गया, तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, 11, 12, 13, 14 अप टू 19 तक आएगा, तो उनमें से जो यूज करना आप लोग कर लीजिए। मैंने 11 से स्टार्ट किया था, 11 बाई 40, 12 बाई 40, 13 बाई 40, 14 बाई 40 एंड सो ऑन, हमको सिर्फ चार निकालने, चार हम लिख देंगे, समझ में आ गया। तो ये था हमारा किस प्रकार से किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी संख्या में, फिक्स संख्या में रैशनल नंबर्स निकालने, नोट कर लेंगे सभी बच्चे।